सर अब तो इकट्ठे 10 साल हो गए हैं अली मोहम्मद सर जी। मोहम्मद अली तो ऊपर बैठे हैं, अली मोहम्मद इधर खड़ा है। अली मोहम्मद साहब, ऑनरेबल अली मोहम्मद साहब, डिप्टी स्पीकर साहब आपका शुक्रिया। मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं भी खाइफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जुहल की रात को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल इस मुल्क के साबिक वजीर आजम की सेल की तस्वीर चलाई गई ये साबित करने के लिए कि शायद इमरान खान साहब को बड़ी कोई फैसिलिटीज मिली हैं। मैं आज सिर्फ इमरान खान की नहीं, मैं ये तमाम सियासी लीडरशिप का एक मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मुल्क का साबिक वजीर आजम 6x8 के सेल में, जहां ये उसकी बेडिंग है, ये सिंक लगा हुआ, पीछे वॉशरूम है और यहां उसकी अलमारी है किताबों की, और पीछे उसकी वॉशरूम के इस तरफ जाए नमाज वहां मौजूद है। क्या ये करते हैं हम अपने मुल्क के साबिक वज़ीरे आज़म के साथ? एक साबिक वज़ीरे आज़म एक शख्सियत नहीं होती जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम बिलावल साहब यहां तशरीफ फरमा थे और मुझे उनको देख के, जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर सोच रहा था, मुझे वो माजी याद आया कि किस तरह वो अपनी मां, शहीद मां की गोद में जेल के बाहर अड्याला शायद थी वहां बैठा होता था। और इसी तरह हमारे पख्तूनख्वा के बाचा खान या वली खान जेल में पड़े होते थे, और इसी तरह मेरे अपने इलाके के मौलाना उजैर गुल साहब, जिनको असीर माल्टा कहते हैं, आज से 80 साल पहले भी ये कहानी थी, 100 साल पहले भी ये कहानी थी। कल भी नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के जहाज में ले जाया मुशर्रफ ने, और आज इमरान खान के साथ ये हो रहा है। और कल नुसरत भुट्टो साहिबा अपने हस्बैंड और फिर अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी, और आज इमरान खान साहब की सिस्टर्स अलीमा साहिबा और उनकी बाकी बहनें एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और उनकी बापर्दा खातून को जिस तरह टॉर्चर किया गया है, उनको ज़हनी अज़ीद। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सवाल इस ऐवान के सामने है, आज फिर हमारी बारी है, कल खुदा ना खास्ता फिर आपकी बारी होगी। जिनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, उनकी बारी कब आएगी? मेरा यहां पे सिंपल सा सवाल यह है कि आओ यहां पे बैठ के सोचो कि ये जो 25 करोड़ के लीडर्स के साथ ये हो रहा है, ये दुनिया ने कल देखा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक डेथ सेल के ट्रैप में बंद करके ये इमरान खान की तस्दीक नहीं की जा रही। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये तस्दीक इस ऐवान की है, ये तस्दीक तमाम सियासी जमातों की है, ये तस्दीक 25 करोड़। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट रिकॉर्ड पे आ गया। शुक्रिया शुक्रिया।